आखिरी दिन भैया यहाँ का खाना बहुत मिस करेंगे हम लोग। अच्छा हम भाई खाना लेकिन बहुत अच्छा है भैया। आपका नाम क्या है बता दीजिए। मेरा नाम कुलवंत सिंह है। अच्छा आप कहाँ से हो? पंजाब से हूँ। अच्छा अच्छा और शेफ यहाँ के कहाँ से? उत्तराखंड के। उत्तराखंड। बहुत अच्छा। चलो सामान लोड हो रहा है अपना। टाइम टू से बाय बाय। चलो भैया क्या करोगे? उधर चलते हैं। इंडिया की ट्रिप लगाते हैं। चलो भैया गाड़ी लेके इसी को लेके टेम्पो को लेके चेन्नई में पूरा इंडिया का ट्रिप लगाते हैं। चलो होल इंडिया यहाँ से कन्याकुमारी। चलो बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलके। हम लोग का किस्मत हमेशा अच्छा होता है। हम लोग को हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं। ऐसे यहाँ के बाहर के लोग सब लोग अच्छे होते हैं। हाँ सारी जगह मैंने देखा। मनाली मलेश दार्जिलिंग सिक्किम गया था ना सब लोग इतने अच्छे हैं। फ्लाइट इज डिलेड। फ्लाइट डिलेड वेरी मच क्राउडेड इन ले एयरपोर्ट हेवीली क्राउडेड। आप लोग ले रहे हैं? फ्लाइट नंबर 262। आपका बैग इस नहीं आ रहा सामने काउंटर पे चले जाइए वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बैग नहीं मिल रहा है। हमको बैग नहीं आएगा। तो हुआ कुछ हुआ हम लोग का जो है लगेज नहीं आया आज। लगेज आएगा कल। डायरेक्ट होम डिलीवरी लगेज ले ले का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये तो हम लोग के साथ हर जगह जो है देखो ये फॉर्म दिया गया हम लोग को एयरलाइन से और इसको जो भर के देना है और वो लोग घर पे भिजवा देंगे लगेज। नहीं आया तो पता नहीं बाकी का प्रोसेस। अगर फिलहाल के लिए यही प्रोसेस है अगर उसको भर के देना है हम लोग को और देखते कल आता है कि नहीं। घर एक साइड से अच्छा है हम लोग को फिर से चेक इन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का दूसरा फ्लाइट है अभी इंडिगो का चेन्नई के लिए। वो भी 6 बजे अगर नहीं आया टाइम से तो क्या करेंगे? तब बस है ना। ठीक है अभी जा रहे हैं T2 T3 से। T3 में हम लोग का स्पाइस जेट लैंड हुआ। अभी T2 के लिए जा रहे हैं। अभी इंडिगो के लिए जा रहे हैं। अभी T2 में इंडिगो सारे फ्लाइट T2 से मतलब डिपार्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है और बहुत टायर्ड भी हो गए हम लोग उसे करते करते। तो हमारी टीम हाँ चलो thank you.
सो फाइनली हम लोग पहुंच गए घर आफ्टर लाइक ए मंथ. बहुत लंबा जर्नी था हम लोग का, सबसे ज्यादा लंबा जो है ट्रिप था, सबसे लंबा ट्रिप था इस बार का हमारा तो. और हम लोग का सामान भी जो है आया नहीं, स्पाइसेस वालों ने तो दिया नहीं, पता नहीं बोले थे कल तक भेज देंगे, तो लेह से जो चेन्नई तक पहुंचा देंगे, होम डिलीवरी तो कुरियर कर देंगे, पता देखते कब आते हैं वो देखते. आधा सामान तो हम लोग का उधर चला गया, मेरा ड्रोन भी है उस ट्रॉली में, पता नहीं क्या हालत होगा, आएगा कि नहीं, टेंशन भी है वो कब आएगा कैसे आएगा वो. पूरा ट्रिप जो है बहुत ही ट्विस्ट वाला ट्रिप था हम लोग का. हर चीज में जो है पता नहीं, इतना अनसर्टेनिटी था कि पता नहीं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा. फ्लाइट ही कितने बार हम लोग दो बार फ्लाइट रेस्क्यूल हुआ, कैंसिल हो गया, फिर से लास्ट मोमेंट पे जो हम लोग ने फिर से टिकट बुक कराया, ये सब करते करते जो हम लोगों को फ्लाइट टेक ऑफ करने तक हम लोग फ्लाइट बोर्ड कर चुके थे. उसके बाद बोले थे कि फ्लाइट कुछ टेम्परेचर ज्यादा हो गया था उस टाइम पे ले पर. और हम लोग को बोला गया था कि अगर 7 मिनट के अंदर अगर टेक ऑफ नहीं हुआ तो हम लोग को फ्लाइट फिर से डीबोर्ड करके कैंसिल करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो रहा था. तो कैसे कैसे करके बहुत कुछ एक्सपीरियंस है, बहुत ही मुश्किल से जो जैसे तैसे करके अभी पहुंच गए घर, शांति मिल रहा है अभी. तो एनीवेज, तो अगर ये पूरा जर्नी अगर ले मनाली का पूरा सीरीज अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू चैनल. एंड टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी पर और एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ. इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, हाँ चलो बाय बाय.